नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में मां काली का विवाद छाया हुआ है। आपको बता दें कि खुद को फिल्म मेकर बताने वाली लीना मणमेकलई ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा में दिखाई गई, जिसमें मां काली का एक पोस्टर बाहर निकल कर आया और उस पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा था कि मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। लीना मणमेकलई के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू की, तो इसी बीच देश के तमाम नेताओं ने उनका समर्थन भी किया और उसमें सबसे आगे रही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। उन्होंने कह दिया कि हिंदू जिस तरीके से मां काली को देखता है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। हालांकि अब इन सब विवादों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मां काली पर बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए ये बता दिया है कि मां काली पर पूरे देश की आस्था है और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली पर बयान दिया है और बाकायदा उन्होंने बताया कि किस तरीके से मां काली पर पूरे देश की आस्था है। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया है और ये बताया है कि वो कितने बड़े भक्त मां काली के थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि बंगाल ही नहीं पूरे भारत की मां काली पर आस्था है और इसके साथ ही वो बताना चाह रहे थे कि बंगाल के लोग जिस तरीके से खासकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बयान दे रही हैं, उनको सोच समझकर बयान देना चाहिए क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति भी अपना सब कुछ मां काली के लिए समर्पित कर चुका था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मां काली के प्रति लोगों की आस्था सदियों पुरानी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके जैसा ओजस्वी व्यक्ति भी मां काली की भक्ति में लीन था और एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें पूजता था। और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए ये बता दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और देश के हर व्यक्ति की आस्था मां काली के लिए वैसे ही है जैसे इन लोगों की रहा करती थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भी आस्था का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से अगर आपके दिल में आस्था पवित्र हो तो लगाव हो ही जाता है और मां काली से पूरे देश का लगाव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही कि मां काली का आशीर्वाद पूरे देश पर है और मां काली का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोलने के पहले लोगों को सोचना समझना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ट्विटर पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जवाब है लीना मणमेकलई और महुआ मोइत्रा को। तो इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है मां काली पर, वो आप विस्तार से सुनिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य, मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है जब भी बेलूमर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो,
तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है।